सही गा रहा बिल्कुल। अब हम एंटर हो चुके हैं मारगला रोड पे, मारगला हिल्स की जो रोड है उस पर आ चुके हैं और जा रहे हैं अब हम दामनेको की तरफ। पहला स्पॉट जो आएगा दामनेको आएगा, लेकिन दामनेको पर जाने से पहले एक चीज़ दिखाना ज़रूरी है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक थोड़ा अफसोसनाक वाक़या था। एयर ब्लू का जहाज़ जब क्रैश हुआ तो वो मौसम की ख़राबी की वजह से मारगला हिल्स पर आके क्रैश हुआ था, तो वो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस जगह पर वो प्लेन क्रैश हुआ था और उसकी एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है उन लोगों की याद में जो यहाँ पर शहीद हुए थे इस जहाज़ के हादसे में। तो पहले हम वो जगह देखते हैं, वो जगह कौन सी थी। ये सामने जो पहाड़ी है इसके ऊपर एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश हुआ था और इसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हो गया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मारगला की पहाड़ियों पर होने वाला जो फ़ज़ाई हादसा है वो इस जगह पर हुआ था। दामनेको का डिस्टेंस मारगला रोड से जो एंट्रेंस है इस मारगला हिल्स की जानेब जाने वाली रोड की तकरीबन उसे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और बस इस चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत है कि जब आप गाड़ी चला रहे हों या बाइक चला रहे हों तो आपने आपका मोशन ना टूटे चढ़ाई पर, और ओवरटेक बड़े ध्यान से करें, मिरर्स का इस्तेमाल करें कि आपको पता हो कि आपको कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, उसको रास्ता दे दें अगर वो बहुत जल्दी में है जिस तरीके से ये गाड़ी जा रही थी। कुछ ना तजर्बाकार लोग भी आते हैं वो टॉप पर जाके चढ़ाई पर ब्रेक लगा देते हैं, तो अच्छा नहीं है ये काम करना, क्योंकि आपको जब आप चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो गाड़ी तो आपको इसका जो मोशन है वो टूटना नहीं चाहिए। दामनेको और मारगला हिल्स पर बंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी वैसे ये थोड़ा ऑफ सीज़न चल रहा है, आजकल सर्दियों में ये इस जगह पर कम है, लेकिन स्टिल जो है इनकी बड़ी जो है ना नस्ल यहाँ पर नज़र आ रही है। हेलो, बहुत ही हेज़ी वेदर है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक है या ये धुंध है जिसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद का व्यू जो है वो ब्लर हुआ हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का जो है वो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे कदमों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ मौसम क्लियर नहीं है, बल्कि आज की बात क्या की जाए, कुछ दिन से ये प्रॉब्लम है बारिशें ना होने की वजह से। इस मौसम के अंदर भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और इसके अलावा धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है और प्रॉपर जो है आलूदगी का एहसास होता है, तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो इस पॉइंट पर आके अंदाज़ा हो रहा है कि नीचे किस हद तक जो है वो स्मोक जो है वो फैल चुका हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरे तरीके से जो है शहर का वो ख़राब हुआ है इस आलूदगी की वजह से।
यहाँ पर रुबाब एक अजीब ही लुत्फ पैदा कर देता है, और रुबाब की जो ये जबरदस्त किस्म का साज है इसकी क्या बात है। आए जरा सुनते हैं जरा रुबाब के साथ। सही गा रहा हूँ बिल्कुल। आर्टिस्ट को लाजमी पे आउट करना है, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का ये राइट बनता है, ये मांग नहीं रहे, ये सांस बजा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सुना रहे हैं। शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये दामने को था जो अभी हमने देखा, और दामने को से अब मैं चलूंगा आगे मार्गला हिल्स की रोड पर कि यहाँ पर आगे क्या कुछ है और कैसे व्यूज हैं, फेमस स्पॉट जो हैं वो देखते हैं आगे इस पे। से अब स्टार्ट हो गया है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस रोड को फिर आगे अब मेंटेन किया हुआ है, और वाज़े फर्क इसमें नजर आ रहा है। ये रोड बहुत अच्छी मेंटेन है, अगर मैं इस्लामाबाद की रोड के मुताबिक उसके साथ कंपेयर करूं तो ये रोड बहुत बेहतर है उसकी नस्बत। और खाली पीर सुहावा वैसे वो पॉइंट था जो कि मशहूर था एक जमाने में, फिर मोनाल ने इसकी डोमिनेंस को खत्म कर दिया, और यहाँ पर चंद एक होटल्स और ढाबा स्टाइल कुछ स्पॉट्स रह गए। अभी हम जा रहे हैं इस रोड पर आगे देखने के लिए कि ये क्या है। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और जो है यहाँ पर ये पीर सुहावा हिल्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाए हुए हैं GDA वालों ने। सफाई का भी ठीक सीन है, अच्छा है यहाँ पर गंद नहीं है उस तरीके से। गंद असल में गवर्नमेंट तो नहीं फैलाती, गंद तो हम खुद फैलाते हैं, हम अपने हालात हमारे बड़े नाजुक हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर बस गंदगी फैलाते हैं। हाईलैंड रिजॉर्ट का भी लगा हुआ है, हाईलैंड रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैठने की और खाने की जगह है, बहुत अच्छा होटल है। इसके साथ आपको कुछ होटल्स भी हैं, स्टे करना चाहें तो वो भी काफ़ी क्वालिटी का आपको जो है वो स्टे वहां पर हो सकता है। रोड के साथ फेंसिंग है, फेंसिंग होने की वजह से जो है ताकि जानवर वगैरह जो है वो रोड पर ना आए, और रोड की जरा इससे हदूद भी जो है वो भी पता चलती है। कॉफी के भी स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं, जो कि काफी प्लेजेंट बात है कि यहाँ पर मुनाल के अलावा अगर किसी जगह पर जाना चाहें तो ऑप्शन नहीं थी पहले, मतलब आपके पास ऑप्शन सिर्फ मुनाल ही थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ अब चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लोगों ने किए हैं और अच्छे स्पॉट जो बना दिए हैं। मतलब उस लेवल का तो मैं फिर भी अभी तक मैंने नहीं देखा जो मुनाल का लेवल था। ये सनसेट हाइट्स का कुछ अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, नीचे इनकी साइट है जो मैंने देखी दूर से, मुझे नजर आई थी। मैं
जाऊंगा मैक्सिमम डाइनो वैली तक, डाइनो वैली जिसका बड़ा नाम सुना है, बाहर से ही देखेंगे डाइनो वैली को। और सो दिस इज ऑल अबाउट मार्गला हिल्स, आई एम मूविंग बैक टुवर्ड्स इस्लामाबाद, डाउन हिल ड्राइव है और अब हम इस्लामाबाद की तरफ वापस जाएंगे। तो ये ओवरव्यू था मार्गला हिल्स का कि मार्गला हिल्स पर क्या कुछ है, कैसी रोड है, चढ़ाइयाँ कैसी हैं और दामने को आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।